हिमालय गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। टुनटुनी चिड़िया को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाएं और जंगली जानवर का शिकार हो जाएं। इस बात से चिंतित चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। पर एक दिन टुन्नू चिड़िया को दूसरा जंगल देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ टुनटुनी को इस बात का पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाती है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहाँ टुनटुनी का बच्चा खेलता हुआ अभी जंगल में कुछ ही दूर पहुँचता है कि तभी 2 बिल्लियाँ आकर उसे घेर लेती हैं। ये देखते ही टुनटुनी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देख दोनों बिल्लियाँ हंसती हैं। क्या ताजा ताजा मांस है, काश ये परसों मिला होता। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34+29 कितने होते हैं। क्यों परसों? क्यों परसों? मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और रंगीन होती। कोई बात नहीं, बिलेटेड बर्थडे पार्टी। लगता है हमारी बिलेटेड पार्टी ओवरवेटेड पार्टी होने वाली है। हाँ, 250 ग्राम के साथ 1 किलो फ्री। बस बस ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम दोनों को फाड़ खाएंगे। शेर राजा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राजा ना आ जाए। और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इसे या मुझे खा लिया तो शेर राजा तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और शेर राजा को पता कैसे चलेगा तुम्हें हमने खाया? तुम क्या शेर राजा को बेवकूफ समझते हो? जंगल का राजा है वो देखो हाथी राजा को हम पर नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। ये सुनकर दोनों बिल्लियाँ टेंशन में आ जाती हैं और आपस में कहती हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे। तो क्या करें, जान बची तो लाखों पाए, शेर के मुंह से निवाला छीना, खुद शेर का निवाला बनना है। चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों बिल्लियाँ वहाँ से चली जाती हैं। बिल्लियों के जाते ही बच्चे की जान बच गई। ये देख टुनटुनी जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर वापस अपने घर की तरफ भागती है। अभी वो कुछ आगे उड़ी थी, उन्हें देखते ही शेर धाड़ता हुआ उनकी ओर भागता है। शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुंच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ हिम्मत करके कहती है, ठहरिए शेर राजा, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है शेरनी? तुम नन्ही सी चिड़िया अपने आप को शेरनी समझ रही हो? मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। मेरी शेरनी? हाँ, आप क्या समझते हो मैं कि अपने बच्चे को लेकर इस भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं ना आ जाऊँ यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊँगी। मैं कैसे मान लूँ? मत मानो, बाद में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत बोलना, बताया नहीं था। और फिर भी मेरी बात झूठ लगी तो वो कौवे से पूछ लो, उसे शेरनी ने मेरी निगरानी के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़ कर जाएगा ही नहीं, आखिर शेरनी का हुक्म है। ये सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए भागता है, मगर कौवे जगह से उड़कर फिर वहीं दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देख टुनटुनी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं है शेर राजा, कौवा शेरनी का हुक्म ना माने ऐसा हो सकता है क्या? सच कह रही हो तुम, कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहाँ से नहीं जा रहा। खैर, शेरनी से पंगा कौन लेगा, मैं ही चला जाता हूँ, बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए ही लाएगी। ये कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टुनटुनी अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ उड़ती है। अभी वो कुछ ही आगे पहुँचती है कि तभी सामने से शेरनी आ जाती है। वाह, आज मेरे शेर राजा एक साथ दो दो नरम नरम शिकार से खुश हो जाएंगे। अरे वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। क्या मतलब?
रोज आप शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। तो किया क्यों नहीं? उन्होंने कहा शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। सच? शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, गुफा में जाओ तो सही, वो आकर मुझे ले जाएंगे। ओके, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राजा ने तोते को लगा रखा है। मैं जहाँ भी जाऊँगी तोता मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राजा को रिपोर्ट करेगा। हाँ, मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ। ये कहते हुए शेरनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी यहाँ वहाँ देखती है और अपने बच्चे को लेकर घर की तरफ भागती है। जो भागती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा अपने घर के पेड़ पर जाकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देखकर खुश हो जाते हैं। आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर गए थे कि कहीं कोई जानवर मिल जाता तो। मिले थे जंगल में बिल्ले, शेर, शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। कैसे माँ उनसे लड़ी कैसे? बच्चों, लड़ने की ताकत ही नहीं, दिमाग और धैर्य की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, मुसीबत देखते ही घबराना नहीं चाहिए, धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए। तुम खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति से भी बच सकते हो। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और एक बेटी लूसी कबूतरी के साथ एक गांव में रहती थी। टुनटुनी का पति मजदूरी का काम किया करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रहते थे, बहुत मुश्किल से दो वक्त का खाना मिल पाता था। बंटी की माँ भी काफी बूढ़ी और बीमार थी। उनकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन बंटी कबूतर को काफी तेज बुखार आता है और सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। टुनटुनी के पति का एक छोटा भाई कालू कौवा भी था, जो बहुत चालाक किस्म का कौवा था। भाई की मृत्यु के बाद वो थोड़े दिन उसके परिवार और माँ की सेवा का नाटक करता है। कालू अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, भाई की तो अब मृत्यु हो चुकी है, भाभी तो जाकर खेतों में काम करेंगी नहीं, सो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो, बाकी भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठा लूँगा। बूढ़ी माँ कालू की बातों में आकर अंगूठा लगा देती है, पर कालू बहुत मक्कार निकलता है। दो चार दिनों में वो जमीन को औने पौने दाम में बेचकर गांव से फरार हो जाता है। कैसा कपूत पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया, अब हम लोग क्या करेंगे? टुनटुनी चिड़िया पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचने लगती है, मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया, कभी घर से बाहर नहीं निकली, अपनी बच्ची और अपनी बूढ़ी सास का कैसे ख्याल रखूंगी? भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, घर का एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब खत्म हो गया। अब तो न घर में राशन था और न ही पैसे बचे थे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो भी पैसे जुड़े हुए थे वो सब खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो कट गए, पर अब आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। अब बस केवल थोड़े से दाल और चावल ही बचे हैं। आज का ही खाना बन पाएगा। कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊँ। बहू, तू चिंता बिल्कुल ना कर, तू तो भगवान की इतनी पूजा करती है, वो जरूर तेरी मदद करेंगे। अब अपनी बेटी और सास को खाना खिला देने के बाद केवल थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचा। टुनटुनी जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी तभी बाहर से आवाज आती है, क्या कोई इस घर पर है? इस भूखे तोते को भी खाना खिला दो। बूढ़े तोते की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत बाहर आती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। टुनटुनी ने अपने लिए जो थोड़े से दाल और चावल रखे थे वो उस बूढ़े तोते को देने के लिए प्लेट में डालकर ले आती है। ये जो थोड़ा बहुत खाना ही खा लो, मेरे पास आज केवल इतना ही भोजन है, आप इसे ग्रहण कर ले। बूढ़ा तोता खाना खाते खाते टुनटुनी से पूछने लगता है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? टुनटुनी उस बूढ़े तोते को सारी कहानी बताते हुए कहती है,
मेरे पति की मौत हो चुकी है और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी छोटी बच्ची और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं। और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? बूढ़ा तोता टुनटुनी की सारी बातें सुनकर उससे कहता है, तुमने ये जो दाल चावल बनाए थे इनमें बहुत ही स्वाद था। तुम्हारे हाथ में स्वाद है, घर के बाहर ही तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट देता हूँ, ये एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये कहते हुए बूढ़ा तोता टुनटुनी चिड़िया को एक नमक का पैकेट देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, आपने तो मेरी समस्या हल कर दी। अब मैं घर पर रहकर ही सब काम कर लिया करूँगी और मुझे अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम बहुत ही अच्छे दिल की चिड़िया हो, तुम्हारे मन में लोगों के लिए दया भाव है और तुम लोगों की मदद करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई नमक दे रहा हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। और हाँ, ये याद रखना, ये पैकेट कभी भी खाली नहीं होगा, बस तुम इसे संभाल कर रख देना और हमेशा खाने में नमक इसी में से डालना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये कहते हुए वो बूढ़ा तोता वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वो दाल चावल ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है। पहले ही दिन कुछ पक्षी टुनटुनी से दाल चावल खरीद कर खाते हैं, तो उसके दाल चावल के स्वाद से वो पक्षी बहुत खुश होते हैं। वाह बहन, क्या बात है, ये दाल चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम भी रोज घर में दाल चावल बनाते हैं, परंतु ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं आया। हाँ भाई, ऐसे दाल चावल ना सुंदरी की माँ जो है ना 100 साल लगाकर भी नहीं बना पाएगी, बता रहा हूँ, स्वाद आ गया भाई सच में, वाह। टुनटुनी के बनाए दाल चावल धीरे धीरे पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। पूरे गांव भर में उसके दाल चावल की तारीफ होने लगती है। उस जादुई नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया और टुनटुनी चिड़िया के बनाए दाल चावल गांव भर में मशहूर हो गए। अब टुनटुनी जितना भी खाना बनाती वो हाथों हाथ बिक जाता। टुनटुनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए दाल चावल पूरे गांव भर में सबको पसंद आ रहे हैं और रोजाना ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर को रख लूँ और हम दाल चावल के साथ साथ सब्जी और रोटी भी बनाकर बेचेंगे, जिससे हमारी कमाई और बढ़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम इतने मन से और साफ सफाई से खाना बनाती हो तो खाने में तो स्वाद आएगा ही। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। कुछ दिन बाद कालू कौवा घर वापस लौटा। वो अपनी माँ और भाभी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो माँ और भाभी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा किया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर भाभी तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए, मैं आपके काम में हाथ बटा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत सोचकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे देती हूँ, तुम आज से ही मेरे ढाबे पर काम कर सकते हो। अब कालू कौवा कुछ दिन तक टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छे से काम करता है और उसे टुनटुनी चिड़िया के जादुई नमक का पता चल जाता है और वो सोचने लगता है, अगर मैं इनका जादुई नमक का पैकेट चुरा लूं, तो मैं भी इससे अच्छा खाना बनाऊंगा, उसमें वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि टुनटुनी के खाने में आता है। बस फिर क्या था, कालू कौवा लालच में आकर टुनटुनी के जादुई नमक में से थोड़ा सा नमक चुरा लेता है। टुनटुनी की बेटी ये सब देख लेती है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा टुनटुनी के चुराए हुए नमक से खाना बनाकर अपना ठेला लगाता है और सभी पक्षियों से कहता है, आइए आइए और कालू के ठेले पर आकर स्वादिष्ट खाना खाइए। कुछ पक्षी कालू के ठेले पर खाना खाने आते भी हैं, पर जैसे ही वो पक्षी खाना मुंह में डालते हैं, उसे थूकने लगते हैं।
थू 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 है इतना बेस्वाद और गंदा खाना, इसमें तुमने मसाले डाले हैं या जहर डाला है भाई? है थू 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 थू, हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं, ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा, लाओ हमारे पैसे वापस करो। सभी पक्षी कालू को भला बुरा कहने लगते हैं और अपने पैसे वापस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है कि उसने तो पैसे उधार लेकर बहुत सारा खाना बना लिया था, परंतु सारा खाना बर्बाद हो गया जिससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगले दिन कालू रोते हुए टुनटुनी से माफ़ी मांगने जाता है। उसे समझ में आ गया था कि एक भली चिड़िया के साथ बुरा करने और चोरी करने का अंजाम उसे मिल गया है। कालू कौवे को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसके बाद से वो ईमानदारी के साथ टुनटुनी चिड़िया के यहाँ काम करने लगता है।